हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? पिछले ब्लॉग मैंने आपको दो जिम दिखाए थे कि मेरे लिए कौन सा जिम ठीक रहेगा। एक था शेफ शिफ्टर्स जो मेरे बस अपार्टमेंट के जस्ट बाहर ही है, एक है हमारे पास एस्थेटिक नेशन जिम जो थोड़ा सा 5 मिनट्स की हमारी वॉकिंग डिस्टेंस है उस पर था। तो मैंने आपको दोनों जिम दिखाए थे और दोनों के एरिया दिखाए थे, फीस स्ट्रक्चर बताया था। तो मैंने आपसे पूछा था कि मेरे लिए कौन सा जिम ठीक रहेगा, थोड़ी हेल्प करो मुझे। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए और मुझे लोगों ने बताया कि सर आपके लिए ये जो पॉइंट्स हैं ये बेनिफिशियल हैं। तो मतलब जैसे कि कौन सा पॉइंट था, एक पॉइंट ये था कि वो बिल्कुल जस्ट पास में ही मेरे पास शेफ शिफ्टर्स है, तो आप दूर क्यों जाएंगे, आप वॉकिंग डिस्टेंस भी क्यों ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मौसम ख़राब वगैरह होगा तो आने जाने में दिक्कत होने वाली है। फीस भी दोनों की सेम ही है और अगर इक्विपमेंट सारे अवेलेबल हैं आपके पास, यहाँ पर ट्रेनर भी अवेलेबल है सबसे बड़ी बात, तो आपके लिए शेफ शिफ्टर्स ही सबसे बेस्ट जिम है। तो आप लोगों के रिव्यूज से और पॉइंट से मेरा भी मन ऐसे ही किया कि मेरे लिए शेफ शिफ्टर्स अच्छा रहेगा। तो मैं जा रहा हूँ शेफ शिफ्टर्स जिम में आज से ज्वाइन करने। तो अभी मैं जस्ट रेडी हो चुका हूँ, आई एम रेडी विद माई गेयर। तो चलिए निकलते हैं, जिम पहुँचते हैं और आज का वर्कआउट करते हैं। तो गाइज अभी शाम के 6:30 हो चुके हैं और अभी भी गर्मी ऐसे है कि जैसे दोपहर का टाइम हो रखा है। अब मेरी तो मजबूरी है कि मेरा टाइमिंग यही है जिम की, तो मैं जिम के लिए निकल चुका हूँ। तो अच्छी बात यह कि ज़्यादा दूर मुझे चलना नहीं पड़ता, वरना गर्मी से मेरा बहुत बुरा हाल हो जाता है। अभी मैं जस्ट अपार्टमेंट से निकला हूँ और 2 मिनट में मैं अपने जिम के बाहर पहुँच चुका हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं और आज जिम ज्वाइनिंग करते हैं, फटाफट से वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैं जिम में आ चुका हूँ, यहाँ के ट्रेनर से मिल लिया मैंने और एंट्री करा दी है। अब मेरा वर्कआउट सेशन स्टार्ट होने वाला है। आज तो हमारे ट्रेनर बोल रहे हैं कि आप काफ़ी दिन बाद आए हैं, तो आज आपका वर्कआउट जो है वो वहाँ पर रहेगा, स्ट्रेचिंग वगैरह रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लगभग 5-6 महीने बाद मैंने वर्कआउट किया है, तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया हूँ, बहुत जल्दी थक गया हूँ, ठीक है। अभी दोबारा से मुझे वही फॉर्म अपनानी पड़ेगी जैसी मैं पहले था 2-3 साल लगातार। अभी आज तो बहुत थक गया हूँ, पसीने से बुरे हाल हो गए हैं अभी भी, पर क्या करें, अभी वर्कआउट तो कंटिन्यू करना है, तो कंटिन्यू रखते हैं वर्कआउट को। आप इन्जॉय करते रहिए ब्लॉग को।
तो गाइज आज मेरा फर्स्ट डे था वर्कआउट का, और जो हमारे गुरुजी हैं ट्रेनर साहब, उन्होंने आज मुझसे थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कराई, बाकी मुझसे लेग्स लगवाए। बोलते पहले लेग स्ट्रांग होगी बाद में बाकी एक्सरसाइजेस। तो अभी आज का वर्कआउट ख़त्म हो गया है और अब मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। बहुत बुरे हाल हो गए, काफ़ी टाइम बाद वर्कआउट किया तो एग्जॉस्ट जैसा हो गया हूँ, काफ़ी ज़्यादा मसल्स स्वेल जैसी लग रही हैं लेग्स की। तो अभी मैं घर जा रहा हूँ, अब मसल ब्रेक तो कर लिया, मसल रिकवरी के लिए कुछ शेक पीना पड़ेगा गर्मा गर्म, जाके बना के थोड़ा चिल्ड बनाऊंगा, गर्मा गर्म तो बोलने के लिए। तो चलते हैं घर पे और शेक तैयार करते हैं अपनी मसल रिकवरी के लिए। होम स्वीट होम गाइस। तो वर्कआउट से मैं घर पहुंच चुका हूं और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, थका महसूस कर रहा हूं। अब मैं बनाऊंगा अपने लिए फुल कैलोरी शेक अपनी बॉडी को रिकवरी देने के लिए और थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। मेरी सिस्टर ने बोला, राखी ने बताया कि अभी शेक बन चुका है, तो मैं बस शेक जस्ट अपने लिए डिस्पेंस करूंगा और फिर उसको पीते हैं, एंजॉय करते हैं। चलो देखते हैं शेक बनाया किस चीज़ का है, मैंगो का, बनाना का, कौन सा। मेरा मैंगो शेक, आज मैंगो शेक बनाया गया है फुल कैलोरीज के साथ, अपने लिए निकाल लेता हूँ अब। तो गाइस आज हमारे लिए बनाया गया है मैंगो शेक, बहुत ही यम्मी लग रहा है, फुल ऑफ कैलोरीज और एनर्जी, बहुत ज़रूरत है इसकी। वर्कआउट के बाद शेक बहुत ही ज़रूरी है। वैसे प्रोटीन शेक होता है पर अभी मैंने प्रोटीन शेक स्टार्ट नहीं किया है, आज फर्स्ट डे था तो मैंने आज नॉर्मली मैंगो शेक बनवाया है। तो गाइस ये था आज का ब्लॉग, और मैंने डिसाइड कर लिया था फाइनली आप लोगों की हेल्प की वजह से कि मुझे शेप शिफ्टर्स में ही ज्वाइन करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया, ऐसे हेल्प करी। तो आइए था आज का वर्कआउट और आज का ब्लॉग, तो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच, एंजॉय करता हूँ मैं अपना शेक और आप एंजॉय करें मेरी बाकी वीडियोज़।